हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं। आज फिर से लेके आया नया कुछ रेसिपी। आज का रेसिपी एक करी। तो फ्रेंड्स देखते रहिए, हम लोग करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये रेसिपी को। तो भाई एक करी बनाने के लिए हम लोग को इधर 6 अंडा लेना है। आपको चाहिए तो कितना भी ले सकते हैं। तो 6 अंडा को फोड़ना है। तो भाई फोड़ने के बाद थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा टर्मरिक पाउडर अभी अच्छा ही मिक्स करना है। तो फिर अभी अच्छे मिक्स करने के बाद एक बॉल में ऑयल लगाना है, बाद में वो ढालना है एक को। तो इसको बॉयल करूँगा। एक बर्तन गरम बैठाया, उसके ऊपर वो बर्तन मतलब पानी के ऊपर उसको बॉयल बैठाना है। कैसे भी करके आपको पानी के ऊपर बॉयल बैठाना है। आप चाहिए तो जाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर कुछ टाइम बाद देख सकते हैं पूरा बॉयल हो चुका है, पूरा बॉयल हो रहा है। और थोड़ा टाइम चाहिए होगा। तो भाई अभी पूरा पूरी बॉयल हो चुका है। अभी इसको ऑफ कर दिया। तो भाई साइड से देख सकता है ऐसा करके इसको निकालना है। ये इजी उड़ जाएगा क्योंकि नीचे ऑयल लगा हुआ था। थोड़ा अच्छे से निकालना है। तो मैं एक तवा फ्राई पैन के ऊपर ऑयल, अभी इसको पका के मतलब उल्टा करना है। जैसे देख सकते हैं पूरा निकल चुका है। अभी इसको अच्छे फ्राई करना है। एकदम यूनिक रेसिपी। तो फ्रेंड्स ये एकदम यूनिक विलेज में बहुत जगह में बनाता है ये रेसिपी। तो भाई हमारा पूरा फ्राई हो चुका है। अब इसको उठाऊंगा और फिर इसको कटिंग करना है। देख सकते हैं एक मोटा वाला ऑमलेट का जैसा हो गया। जैसे पनीर कट करते हैं ऐसा पीस पीस करके कटिंग करना है इसको। तो देख सकते हैं मैं पूरा एक क्यूब कटिंग कर लिया, एकदम छोटा छोटा, एकदम पनीर का जैसा लग रहा है। तो मैं अभी ग्रेवी बनाना है, उसी में ऑयल डालना है। इसमें कुछ मसाला है, ऑनियन, टमाटर, ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा जीरा। तो मैं अभी ऑनियन को फ्राई करना है, ग्रीन चिली। तो देखा तो अच्छे फ्राई हो रहा है। थोड़ा फ्राई होने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट रखा हुआ था और ढाला इसमें, इसके अंदर। तो फिर अभी थोड़ा हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, चिली पाउडर। अभी अच्छे फ्राई करने के बाद थोड़ा सा पानी, उसके बाद थोड़ा टमाटो जो काटी चॉप करके रखा हुआ था। तो मैं थोड़ा सा सॉल्ट। अभी इसको अच्छे पकाना है, उसके बाद पानी डालना है। थोड़ा पकने के बाद पानी, आपको मतलब जितना पानी चाहिए उतना हिसाब से डालिए। पतला चाहिए तो पतला ज़्यादा। तो वही देखते बॉयल होना स्टार्ट हो गया। और थोड़ा नमक चाहिए इसके अंदर। तो वही अभी जो अंडा काट करके रखा हुआ था वो इसके अंदर डालना है। लास्ट में गरम मसाला। तो मैं हमारा पूरा रेडी हो चुका है, पूरा पूरी बंद कर दूंगा अभी और अभी थोड़ा रख दूंगा। तो बस थोड़ा टाइम बाद देख सकते ठंडा हो चुका है। अभी एक बॉल के अंदर उठाऊंगा।
तो फ्रेंड्स देखा था हमारा एकदम यूनिक एक कारी रेसिपी आज रेडी है। फ्रेंड्स आज का रेसिपी इतना ही था, फिर से लेके आऊँगा नया कुछ रेसिपी। तब तक हम लोग रहते रहिए, धन्यवाद। और हमारा चैनल में नया हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।